हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नॉलेज की एबीसी। आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th की एक्सरसाइज 10.1 करेंगे, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस। जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है वो आपके 10th क्लास के 7th चैप्टर है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे मिलता जुलता है। उसका जो बेसिक है कुछ उसमें यूज होगा, जो हमारा 7th क्लास के कुछ फॉर्मूले हैं वो यूज होंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप उस वीडियो को अच्छी तरह देख लें, जो कि हमारे चैनल पे है, 10th क्लास के सारे चैप्टर्स हैं उसमें, 7th क्लास का जो चैप्टर है उसके फॉर्मूले देख लें। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक करेंगे, पहले वो फॉर्मूले एक बार रिपीट कर लेंगे। तो देखिए, स्ट्रेट लाइंस जो है वो एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर होती है। कोई भी ऐसे ये प्लेन होता है हमारा, एक्स वाई प्लेन है, जो ये इसमें हमारा वाई होता है, ये वाई डैश, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज एक्स। इसके अंदर अगर हमें कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा एक्स वन वाई वन और ये है एक्स टू वाई टू, ये दो पॉइंट दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, अगर इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है, ये इसको हम पी मान लेते हैं, ये पॉइंट है क्यू, ये इसके क्या है कोऑर्डिनेट्स है। तो इसका फॉर्मूला हमने 10th क्लास के 7th चैप्टर में किया था। तो इसमें जो पी क्यू का डिस्टेंस आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये हमारा होता है पी क्यू का डिस्टेंस। अब सेकेंड थिंग आती है, एक फॉर्मूला ये था कि अगर हमारे पास कोई लाइन है, ये हम ले लेते हैं एक्स वन वाई वन, ये है x2 y2, दो पॉइंट्स हैं p इसको q, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट हमारा है xy, ये इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो जो xy का फॉर्मूला होगा निकालने का वो क्या होता है, m x2 n x1, m को x2 से n को x1 से बाय m प्लस n कोमा, ये हो गई एक्स की वैल्यू इसकी, और यहां क्या आ जाएगा एम वाई टू एन वाई वन बाय एम प्लस एन, ये हो गई वाई की वैल्यू। तो ये पॉइंट्स हमारे निकालते हैं। अगर हमें रेशियो दी हो कि एक लाइन है इस पॉइंट और इस पॉइंट तक जाती है और उसको एक पॉइंट इस रेशियो में डिवाइड करता है एम एन के रेशियो में, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, तो वो पॉइंट होता है एक्स वाई, उसको निकालते हैं ऐसे। ये भी हमारे 7th चैप्टर में है 10th क्लास के। इसके बाद आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, अगर एक लाइन दी हुई है, ये पॉइंट है P x1 y1, ये है Q x2 y2, इसका मिड पॉइंट निकालना है इस लाइन का हमें। तो जो कि xy मान लेते हैं हम, तो xy का आंसर क्या होगा, x और y कैसे निकलेंगे, x1 plus y1 by 2 x2 plus y2 by 2, यानी x1 और y1, x2 को सॉरी x1 प्लस x2 by 2, सॉरी x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2, x1 में x2 प्लस कर दो और हाफ कर दो, y1 में y2 प्लस कर दो और हाफ कर दो, ये हमारे x और y की वैल्यूज आ जाएंगे। और इसके बाद एक फॉर्मूला था हमारा ट्रायंगल का एरिया निकालने का। अगर हमें कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स मतलब जैसे ये P पॉइंट दिया है x1 y1, ये Q दिया है इसके कोऑर्डिनेट पोजीशन दिया है पॉइंट्स की, और ये है x3 y3, इसका एरिया निकालना हो अगर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाय 2, ये है, ये साइन होता है मोड का, यानी चाहे प्लस आए चाहे माइनस, हमने प्लस में आंसर लेना है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, वाई टू माइनस वाई वन, ये पॉइंट हमने यहां से लेने हैं जो हमें दिए हुए हैं, प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, ये फॉर्मूला हो गया हमारा ट्रायंगल का एरिया निकालने का। अब हमारे कुछ पॉइंट इसमें नए हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूले नए हैं जो कि आपके 10th तक नहीं थे, अब यूज होंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है स्लोप। स्लोप क्या होता है, किसी लाइन का स्लोप क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक
प्लेन है हमारा, इसको हम ले लेते हैं वाई, वाई डैश, एक्स डैश और एक्स। अब इसमें ये लाइन है एक, अगर आपकी लाइन यहां तक भी दी है तो इसको आगे आप जहां तक मर्जी ले सकते हो, ये एक्स एक्सिस को कट करनी चाहिए। तो इसके अंदर ये लाइन एक्स एक्सिस का दो एंगल बना रही है, एक तो ये और एक ये। अब पॉजिटिव साइड कौन सी है, ये एक्स की इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, तो जो पॉजिटिव साइड में एंगल होगा ये क्या होता है, स्लोप एंगल, इसको हम बोलते हैं स्लोप एंगल। तो इसको हम स्लोप बोलेंगे, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट थीटा, यानी इस थीटा का टेंजेंट निकालो तो वो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला, इसका डेफिनेशन क्या होती है, इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑन अ लाइन एल देन टेंजेंट थीटा इज कॉल्ड द स्लोप, इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब झुकाव ऑफ लाइन एल, इसको एल ले लेते हैं ए लाइन विद, ये ध्यान रखिएगा पॉजिटिव साइड, इंक्लिनेशन तो इस साइड भी है एंगल, लेकिन इस साइड का हमने लेना है जो इस साइड बन रहा है राइट साइड में, विद एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन देन, अगर थीटा एंगल है देन टेंजेंट थीटा विल बी द स्लोप, और इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, स्लोप को ग्रेडियंट ऑफ लाइन एल। तो जो टेंजेंट थीटा होगा वो हमारा क्या होगा, स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, ठीक है। अब यहां आपने टेंजेंट थीटा निकाल लिया क्योंकि हमें ये एंगल दिया हुआ था, अगर मान लीजिए ये एंगल नहीं दिया, हमें सिर्फ इस एक लाइन दी है और उसके पॉइंट्स दे दिए, तो क्या करेंगे हम, देखिए तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये लाइन ऐसे है या ऐसे, कैसे भी ले सकते हैं हम, मान लीजिए ये लाइन है हमारे पास एक, इसके पॉइंट हमें दिए हुए हैं, ये आप ले लीजिए P पॉइंट एक्स वन वाई वन, ये है Q एक्स टू वाई टू। अब हमें ये एंगल जो है ये थीटा होता है, अब टेंजेंट थीटा वो स्लोप हो गया, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि थीटा कितना है, हमारे पास ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये कैसे निकालेंगे हम, तो इसमें एक पहले आप राइट एंगल बनाइए, देखिए यहां आ गया और ये आ गया ऐसे, ये बन गया राइट एंगल। अब हमें क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है, ये एंगल कैसे निकलता है, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि हमें ये पॉइंट दिया तो हम ये एंगल लेंगे, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, पैरेलल है क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, इसको हम ये 90 है, तो ये वाला एंगल जो है ये होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर क्या आएगा, देखिए परपेंडिकुलर ये है, अब यहां पे ये लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक लेंथ कितनी है x2, और ये चीज कितनी है, सॉरी ये है y2 और ये चीज कितनी है y1, तो y2 में से y1 माइनस कर दें तो ये पूरा बच गया। आप सोच रहे होंगे कि इनको प्लस करना है यहां तक और इसको, लेकिन ये माइनस में होता है नीचे, तो ये हम माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, अगर आप यहां तक होता तो क्या करते, इस पूरे में से इसको माइनस कर देते तो ये बच जाता, इसी तरह ये है, इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। ये कितना है यहां पे, इसकी देखिए पोजीशन y की कितनी है, ये y1 है, तो y2 माइनस y1, ये हमारी ये लेंथ आ गई, और इसी तरह इसकी निकालेंगे, x2 है ये, देखिए यहां तक ये यहां तक जा रहा है पॉइंट x2, ये ऐसे ही ये वाला, ये x2 है और ये x1 है, तो ये बच गया, यहां पे आ जाएगा x2 माइनस x1, तो ये स्लोप टेंजेंट थीटा स्लोप होता था, तो स्लोप का फॉर्मूला हमारा आ गया
वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये हमारा होगा स्लोप का फॉर्मूला दूसरा। अगर थीटा दिया है तो ये टेंजेंट थीटा हो जाएगा सीधा। अगर हमें थीटा नहीं दिया और उस लाइन का कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको स्लोप निकालने के लिए। नाउ नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट प्लेन है कोई, उसके अंदर दो लाइनें दी हैं हमें, मान लीजिए ये है और ये है, पैरेलल हैं दोनों, सॉरी मेरी पैरेलल नहीं बनी बट हम मान के चलते ही पैरेलल हैं, तो इनका ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ये क्या है, स्लोप एंगल है, थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। ये कौन से एंगल हो गए, ये हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो इनका स्लोप भी इक्वल होगा। तो यहां क्या लिखते हैं, बिकॉज ये L1 मान लेते हैं, ये L1, L1 इज पैरेलल टू L2, देयर एंगल विद x एक्सिस विल बी इक्वल। तो उनके जो x एक्सिस के साथ एंगल बनेंगे तो वो इक्वल होंगे, इसका मतलब टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो इसका मतलब उनके स्लोप इक्वल होंगे। तो स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L2, तो दोनों के स्लोप जो है वो इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको जैसे मान लीजिए थीटा वन और थीटा टू मान लेते हैं, तो एंगल टेंजेंट थीटा वन और थीटा टू इक्वल है, तो स्लोप ऑफ L1 और L2 इक्वल हो गए। इसका मतलब अगर दो लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं तो वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। ऐसे ही बात आती है परपेंडिकुलर की, कि दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं। देखिए ये प्लेन है, इसमें ये लाइन है हमारे पास, ये इसका थीटा है। अब इसके एक परपेंडिकुलर हमने लाइन बना दी, परपेंडिकुलर हो जाएगी ये, जैसे ये हो गई परपेंडिकुलर, ये 90 हो गया। अब इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल है, ये बनेगा, ये थीटा वन ये थीटा टू। और एक चीज ध्यान रखना, स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं, एम यानी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एम। अब इसमें जो है थीटा वन और थीटा टू का रिलेशन क्या है ये देखेंगे हम। देखिए ट्रायंगल के अंदर जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो बाकी दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा टू, सॉरी ओनली थीटा, थीटा वन इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा टू, थीटा वन इज इक्वल टू बाकी दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है, ये आ गया। तो इसका मतलब टेंजेंट थीटा वन इज इक्वल टू टेंजेंट 90 प्लस थीटा टू, ये हो गया। तो अब इसका मतलब क्या होगा, टेंजेंट थीटा प्लस 92 क्या होता है, माइनस कोट होता है, माइनस कोट थीटा टू, और माइनस कोट थीटा टू क्या होता है, वन बाय टेंजेंट थीटा टू माइनस का। अब इसको हम स्लोप मान लेते हैं, थीटा वन वाले का स्लोप मान लेते हैं एम वन, और ये हो गया स्लोप एम टू टेंजेंट थीटा टू। तो एम वन इज इक्वल टू माइनस वन बाय एम टू, एक तो ये कंडीशन हो गई कि उनके स्लोप दूसरे का नेगेटिव इनवर्स होगा। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें एम वन एम टू इज इक्वल टू माइनस वन। तो ऊपर क्या था, पहले हमारा पैरेलल वाले में क्या आया था, अगर स्लोप बराबर होते हैं टेंजेंट दोनों के स्लोप एम वन और एम टू बराबर होंगे तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, और इसमें क्या है, दोनों स्लोप का अगर प्रोडक्ट माइनस वन होता है, इफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस आर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज माइनस वन, अगर दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होता है देन लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो थी 10.1 के कुछ बेसिक पॉइंट थे। अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 10.1, इसके क्वेश्चन करेंगे। तो 10.1 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर
माइनस फोर फाइव, जीरो सेवन, फाइव माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस टू, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो एक हमें क्वाड्रिलेटरल के चार वर्टिसेस दिए हैं, मतलब चारों पॉइंट्स दिए हैं, वो चारों पॉइंट्स का यूज करके हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है और उसका एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला है ट्रायंगल का। तो पहले तो हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया, अब इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं हम वो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है माइनस फोर फाइव, यानी एक्स माइनस फोर है, वाई फाइव है, तो फाइव ऊपर गया, ये देखिए। तो इसकी लाइन और इसकी लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, यहां। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा जीरो सेवन, एक्स जीरो, एक्स जीरो यही होता है, और वाई सेवन यहां, तो ये पॉइंट हो गया दूसरा। तीसरा है हमारा फाइव माइनस फाइव, एक्स फाइव है ये, और y माइनस फाइव, तो y माइनस की तरफ, ये पॉइंट आ गया हमारा। और तीसरा है माइनस फोर माइनस टू, माइनस फोर एक्स और y माइनस टू, माइनस टू नीचे होता है, तो ये पॉइंट आ गया हमारा। तो अब इन चारों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। ये हमने इनको चारों को मिला दिया, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसको हम नाम दे सकते हैं ए, ये माइनस फोर फाइव है, बी ये है जीरो सेवन, सी ये है फोर माइनस फाइव, फोर माइनस फाइव था, सॉरी फाइव माइनस फाइव, ये हमने इसमें थोड़ी सी गलती की, फाइव, हाँ ठीक है, ये फाइव यहां से और ये, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 5 माइनस फाइव, और ये है माइनस फोर माइनस टू, इसको हम दे देते हैं डी। तो एबीसीडी हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमें, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं है, और अगर ये है भी तो ये क्वाड्रिलेटरल कोई ऐसा नहीं है कि स्क्वेयर हो या रेक्टेंगल हो या पैरेललोग्राम हो जिसका फॉर्मूले होते हैं। ये हमारा क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है सिंपल। हमारे पास क्या है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, तो हम इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं, या तो आप इसको मिला देंगे या इसको मिला दीजिए, तो ये क्या है, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। हमने इसको मिला दिया, अब ये ट्रायंगल बन गया एडीसी और एबीसी। तो हम यहां क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, दोनों का प्लस। अब एडीसी का कैसे आएगा, देखिए फॉर्मूला इसमें कौन सा लगाना है, आपको फॉर्मूला बताया था हमने, ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम एडीसी का निकालते हैं, एडीसी इसको हम एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री मान लेंगे। तो यहां पे जब इनकी वैल्यूज रखेंगे हम, तो कैसे आएंगी, इसमें रखते हैं पहले। देखिए फॉर्मूले में क्या था, 1 बाय टू इंटू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, फिर प्लस, फिर था एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन, एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन फाइव, फिर आता है इसके अंदर एक्स थ्री, एक्स थ्री है फाइव इंटू वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन है फाइव और वाई टू है माइनस टू, तो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये आ गया इसका एरिया, इस वाले का प्लस, इसका एरिया निकालते हैं वन बाय टू इंटू, अब इसमें क्या है, इसको ए बी सी यानी एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री। तो सबसे पहले एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई टू क्या है सेवन माइनस वाई थ्री, तो प्लस हो जाएगा, फिर एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन,
फिर प्लस, फिर आएगा इसके अंदर x3। x3 क्या है, -5 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। वाई वन है 5 और वाई टू 7। अब इनको सोल्व करेंगे, 1/2 इंटू -4 इंटू -9, ये हो गया 36। -4 इंटू -10 40, और ये 7 इंटू 5 35, ये आ गया हमारा। इसमें हमने यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहां पे क्या था, x1 इंटू y2 माइनस y3, x1 -4 y2 -y3, हमने x ले लिए दोनों, y2 है -2 -y3, तो ये +2 हो जाएगा, तो ये आगे 3 इंटू 4 -12 हो गया, ये आ गया। इसके बाद +1/2, यहां पे 12 इंटू 4 -48, ये 0 हो जाएगा, और ये हो गया -2 इंटू -5 +10 हो गया, और यहां पे भी ये x3 था प्लस का 5, तो ये हो गया माइनस का 10। तो अब यहां पे हमारा आ गया 1/2 इंटू, ये टोटल कितना हो जाता है, 75 इन दिस माइनस प्लस का 63, और +1/2 यहां पे आ गया -58। अब ये मोड है तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, 63/2 +58/2, टोटल कितना हो गया, 121/2, तो ये हो गया 60.5 स्क्वेयर यूनिट। तो ये हमारा आंसर आ गया 60.5 स्क्वेयर यूनिट, या 121/2 स्क्वेयर यूनिट, ये इसका एरिया आ गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है, द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2A लाइज अलोंग the y axis such that the midpoint of the base is at origin, find vertices of the triangle। कि एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, और उसका जो साइड है 2a है, यानी बेस 2a है तो सारी साइड्स 2a होंगी। तो लेट हम ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं, ट्रायंगल इज एबीसी एंड साइड्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी 2a, ये साइड 2a दी हुई है। अब वो कह रहा है कि जो इसका बेस है, बेस तीनों में से कोई भी हो सकता है, ए बी सी, ए बी बेस हो सकता है, बी सी बेस हो सकता है, ए सी बेस हो सकता है। कार्टिजन प्लेन के अंदर वो ये कह रहा है कि जो इसका बेस है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, अलोंग का मतलब वाई एक्सिस की तरफ है, ऐसे यहां, यानी ऐसे बनेगा ट्राइंगल, इसका बेस ऐसे है और ट्रायंगल इस साइड हो जाएगा, तो बेस यहां है, एंड सच दैट कि जो ओरिजिन है वो मिड पॉइंट है, ओरिजिन मिड पॉइंट है तो इसका मतलब 2a का आधा इधर होगा आधा इधर होगा, तो यानी दोनों तरफ बराबर। जैसे हम मान लेते हैं यहां से लेके हमारा ये हो गया 2a, तो इसकी बाकी साइड्स भी बराबर होंगी। अब जो मिड पॉइंट होता है, दोनों साइड्स जो है मिड पॉइंट के सामने होती हैं यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा, जितना वो था उतनी साइड ये बनेगी, और ये भी इतनी बनेगी, क्योंकि जो इसका टॉप पॉइंट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो टॉप पॉइंट जो है इस मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर होता है, मतलब मिड पॉइंट के सामने होता है। तो हम ये हो गया ओ ओरिजिन, इसको मान लेते हैं ए बी और सी, ए सी हमने बेस मान लिया, लेट ए सी इज बेस अलोंग वाई एक्स, ए सी को हमने बेस ले लिया अलोंग वाई एक्सिस, तो ये पार्ट ए हो गया, ये पार्ट ए हो गया, ये कितना है 2a, ये कितना है 2a, ये पूरा 2a था इसलिए हमने मिड पॉइंट था, ए इधर ले लिया, ए इधर। अब हमें क्या निकालना है, इसकी वर्टिसेस, ये वाला पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है, और ये निकालना है, तीनों वर्टिसेस बतानी है क्या होंगी। तो अब इसमें देखिए OA जो है वो कितना है ए, और ओ सी भी ए है, ओ ए इज इक्वल टू ए, ओ सी इज इक्वल टू ए, ए बी 2A हमें दे ही रखा था, और बी सी भी 2A दे रखा था, और ए सी हमने 2A बेस लिया ही था। अब यहां से अगर देखें 0 से लेके A तक, ये A डिस्टेंस है,
एक्स एक्सिस तो यहां पे जीरो है और वाई कितना ऊपर जा रहा है, ए तक, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, जीरो ए। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर जीरो ए, क्यों, बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ए और वाई एक्सिस पे, इसलिए एक्स को जीरो होगा। वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स जीरो होता है और ये डिस्टेंस ए है तो वाई ए हो गया। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर, सी के भी इतने, सी का क्या हो जाएगा, जीरो माइनस ए, जीरो माइनस ए, तो ये हो गया जीरो माइनस ए। ये भी ये रीजन है कि ओ सी इज इक्वल टू ए, ये भी वाई एक्सिस पे एक्स तो जीरो होगा और डिस्टेंस कितना है ए, तो वाई कितना है ए, लेकिन नीचे है वाई डैश वाले पे है तो इसलिए माइनस ए लिखेंगे, बच गया ये। अब ये क्या है, एक्स एक्सिस पे है, यहां पे वाई तो जीरो होगा लेकिन एक्स कितना है, ये कितना है, ये निकालेंगे। ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हमारे पास एच है और बेस है, परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं। यहां लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी में ए बी स्क्वेयर हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर, ओ बी हमने निकालना है, तो ओ बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसको इधर ले आएंगे तो ए बी स्क्वेयर माइनस ओ ए स्क्वेयर। ए बी क्या था, 2a, और ओ ए क्या है, a, तो 2a का स्क्वेयर 4a स्क्वेयर हो गया और a स्क्वेयर कितना रह गया, 3a स्क्वेयर, तो 3 का तो अंडर रूट 3 आ गया और a स्क्वेयर का अंडर रूट a आ गया, तो ये आ गया अंडर रूट 3a। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, अंडर रूट 3a, यहां पे y तो 0 था तो x कितना आ गया, अंडर रूट 3a, तो ab इज इक्वल टू अंडर रूट 3a। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, वाई तो जीरो होना था एक्स एक्सिस पे, तो अंडर रूट थ्री ए और वाई यहां पे जीरो हो गया, ये आ गया हमारा। अब इसमें एक चीज और आप ले सकते हैं, देखिए ये डिस्टेंस हमने इधर लिया है, हो सकता है ये इधर भी हो सकता था ऐसे, क्योंकि हमें कंडीशन सिर्फ ये देखी थी, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ये साइड्स इधर भी हो सकती थी इधर भी, तो इसीलिए यहां पे जब हम थ्री का अंडर रूट लेंगे तो वो प्लस माइनस हो जाएगा, अंडर रूट हमेशा प्लस माइनस में लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट थ्री है, यानी अगर ये इधर होता है तो ये बी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट थ्री ए कोमा जीरो, तो यहां पे अंडर रूट थ्री ए जीरो, ये माइनस का, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जीरो ए, जीरो माइनस ए, और तीसरा क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट थ्री ए कोमा जीरो, ये आ जाएगा हमारा आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में दिया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी, पॉइंट है एक एक्स वन वाई वन, उसके कोऑर्डिनेट है पी है एक्स वन वाई वन और क्यू है एक्स टू वाई टू। अब डिस्टेंस निकालना है पी क्यू का, पहली कंडीशन क्या है, पहला क्वेश्चन में PQ is parallel to y axis, PQ जो है y axis के parallel है। देखिए ये हमारा होता है कोड, अगर PQ इसके, ये y axis है जो इसके parallel होगा, तो जो P का distance इससे, यानी ये x होता है और इसका भी distance, ये भी x, दोनों बराबर होंगे पैरेलल में, आप डिस्टेंस कहीं भी माप लो, यहां से मापोगे वो भी उतना ही आएगा, यहां भी इतना, यहां भी इतना, तो पी का जो ये एक्स वाला डिस्टेंस है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ है, एक्स वाला डिस्टेंस और ये वाई वाला, ये इक्वल होंगे, सॉरी पी का एक्स वाला और इसका क्यू का एक्स वाला, यानी ये एक्स वन और एक्स टू बराबर होंगे। तो जब भी वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो उस पे सभी पॉइंट्स का एक्स बराबर होता है, तो पी क्यू वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इनके एक्स बराबर होंगे। और वैसे क्या है, पी क्यू का डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो क्या बनेगा, एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर, वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर। तो एज पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन एक्स वन विल बी इक्वल टू एक्स टू। तो यहां अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें
एक्स वन माइनस एक्स टू, दोनों को एक्स वन लिख सकते हैं हम, और वाई वन माइनस वाई टू का स्केयर, ये तो हो गया जीरो। तो बचा क्या, वाई वन माइनस वाई टू का स्केयर, इसका अंडर रूट। अब ये कट गया हमारा, बचा क्या, वाई वन माइनस वाई टू, और इसको हम मोड में लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। हो सकता है वाई वन वाई टू की वैल्यू जो है माइनस करने पे नेगेटिव आए, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको मोड में लिखेंगे। ये हमारा आंसर आ गया। और सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, PQ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, PQ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो वाई वन और वाई टू इक्वल होगा। देखिए अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता तो लाइन ऐसे जाएगी, ये वाई का डिस्टेंस यहां से सारे वाई के डिस्टेंस बराबर होंगे। तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, यहां पे वाई वन वाई टू की वैल्यू बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई वन माइनस वाई वन का स्केयर, जीरो हो गया। बचा क्या, एक्स वन माइनस एक्स टू का स्केयर, अंडर रूट से अंडर रूट स्केयर कैंसिल हो गया, तो एक्स वन माइनस एक्स टू का मोड आंसर आ गया इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 7, 6 एंड 0.34। अब एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट बताना है जो कि इन दो पॉइंट से जिसका डिस्टेंस बराबर हो। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसमें वाई जीरो होता है, लेट एक्स वाला कुछ भी ले लेते हैं हम, वाई वाला जीरो ले लेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है। ए जीरो बी एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7, 6 एंड 3, 4, 3, 4 से इक्वल इक्विडिस्टेंस है। तो इसका मतलब इसका और इसका डिस्टेंस जो आएगा वो इसके और इसके डिस्टेंस के बराबर होगा। इन दोनों का डिस्टेंस क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं, a माइनस 7 का स्केयर, 0 माइनस 6 का स्केयर, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू इन दोनों का डिस्टेंस, a माइनस 3 का स्केयर, 0 माइनस 4 का स्केयर, इक्वल है। दोनों साइड हम स्क्वेयर कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, अब इसको सोल्व करेंगे। a माइनस 7 का होल स्केयर आता है a स्केयर प्लस 49 प्लस सॉरी माइनस 14a प्लस 0 माइनस 6 हो गया माइनस 6, तो माइनस 6 का स्केयर हो गया 36। a माइनस 3 का स्केयर a स्केयर प्लस 9 माइनस 6a, और ये आ गया 4, 4 जा 16, a स्केयर कैंसिल हो गए दोनों साइड, माइनस 14 है और इसको हम इधर रख लेते हैं, माइनस 14a और ये हो गया प्लस इधर आके 6a, 9 और 16 25, और ये दोनों को इधर ले आएंगे माइनस 49 माइनस 36, इसकी वैल्यू आ गई माइनस 8a, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी आ जाएगी 9 और 6 15, 85, 85 में से 25 में माइनस 60, माइनस से माइनस कैंसल, a की वैल्यू क्या आ गई 60/8 यानी 15/2, तो ये हमारी a की वैल्यू आ गई 15/2। तो पॉइंट हमारा क्या आ गया, द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विल बी, ए जीरो था ना हमारा पॉइंट जो हमने लेक्ट किया था, ए की वैल्यू आ गई 15/2 और ये जीरो, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग 0, 4, 0, -4 एंड 8, 0। हमें एक लाइन का स्लोप निकालना है जो कि ओरिजिन से पास होती है, यानी एक पॉइंट तो हो गया उस लाइन का 0, 0, ओरिजिन से पास हो रही है, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, PQ का मिड पॉइंट,
तो यानी किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए या तो हमें थीटा चाहिए होता है या फिर चाहिए उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स। तो हमारे पास एक पॉइंट तो है कि 0 0 है क्योंकि वो ओरिजिन से पास हो रही है, और दूसरा है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द बी एंड क्यू। देखिए पी और क्यू क्या पॉइंट दिया हमें, 0 -4 और क्यू दिया है 8 0। सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। पी क्यू के मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 + x2 का हाफ और -4 y1 + y2 का हाफ। तो पी क्यू का मिड पॉइंट आ गया 8/2, 4 हो गया, और -4/2 -2, ये आ गया मिड पॉइंट। ठीक है, तो रिक्वायर्ड लाइन जो है, लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन 0 0 एंड 4 -2, इन दो से पास हो रही है। तो हम इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो देन स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप क्या होता था, y2 - y1। y2 क्या है, -2 - y1, और बाय x2 - x1, x2 - x1, तो -2/4 यानी -1/2 आ गया इसका स्लोप। -1/2 इज द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस शो दैट द पॉइंट 4 4 3 5 -1 -1 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तीन वर्टिसेस दिए हमें एक ट्रायंगल की, तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, बिना पाइथागोरस का यूज किए हमें बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। हम मान लेते हैं पहला पॉइंट है पी, 4 4, क्यू है 3 5 और आर है ये। अब पहला तरीका क्या है कि हम पी क्यू का डिस्टेंस निकाल लें, क्यू आर का डिस्टेंस निकाल लें और पी आर का, तीनों साइड से आ गई हमारे पास ट्रायंगल की। तो हम तीनों साइड्स को चेक कर लेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के कि तीनों साइड्स जो है, दो छोटी का स्क्वायर तीसरी बड़ी के इक्वल है कि नहीं, तो वो तो क्या पाइथागोरस का यूज करके। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया है कि पाइथागोरस का यूज नहीं करना, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, स्लोप का। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो है 90 डिग्री का एंगल होता है, तो अगर इसमें 90 का एंगल हुआ तो इसका मतलब उन दोनों लाइंस का जो स्लोप है उनकी मल्टीप्लाई -1 आएगी। तो जब भी दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है तो वो दोनों परपेंडिकुलर होती हैं। तो हम सबसे पहले पी क्यू का स्लोप निकालते हैं। पी क्यू का स्लोप क्या आता है, 5 -4/3 -4 यानी 1/-1, -1 आ गया। दूसरा स्लोप ऑफ क्यू आर, क्यू आर का स्लोप निकालेंगे, -1 -5/-1 -3, तो -6/-4 हो गया यानी 3/2। और थर्ड स्लोप ऑफ पी आर, पी आर का -1 -4/-1 -4 यानी -5/-5 यानी 1 आ गया। अब इसमें से आप देखो तीनों स्लोप्स में से कौन से दो स्लोप का जो हमारा प्रोडक्ट 1 -1 आ रहा है, इसका और इसका प्रोडक्ट -1 है, -1 × 1 -1, तो इसको हम मान लेते हैं स्लोप ऑफ पी क्यू है m1 m2 और इसको हम मान लेते हैं m3। तो वी सी दैट m1 × m3 इज इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ पी क्यू इंटू स्लोप ऑफ पी आर इज इक्वल टू -1। इन दोनों के पी क्यू का और पी आर का जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू एंड पी आर आर परपेंडिकुलर। और कौन से पॉइंट पे परपेंडिकुलर होंगी, जो पॉइंट कॉमन है दोनों में आ रहा है पी, तो परपेंडिकुलर एट पी, और पी क्या है 4 4, तो इसका मतलब ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल्ड एट 4 4। तो ये जो ट्रायंगल दिया हुआ था ये 4 4 पॉइंट पे, जो पहला पॉइंट था उसके ऊपर राइट एंगल्ड है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव वाई एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव वाई के साथ एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, एक लाइन है हमारे पास, कोई भी लाइन ले लीजिए, ये ले ली हमने। अब ये लाइन y एक्सिस के साथ, पॉजिटिव y के साथ एंटी क्लॉकवाइज, y के साथ इधर नहीं इधर, ये चीज 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ये एंगल होगा 30 डिग्री का। तो x एक्सिस के साथ इसका कितना हो जाएगा एंगल, x एक्सिस के साथ ये हमारा फालतू हो जाएगा इतना, इतना और बढ़ जाएगा, ये कितना है 90, तो ये 120 का हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां, एज लाइन मेक्स 30 डिग्री विद पॉजिटिव वाई एक्सिस देन 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज देन एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज विल बी 90 प्लस थीटा, यानी 90 प्लस 30 120, तो 120 का एंगल हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन विल बी टेंजेंट 120। तो टेंजेंट 120 क्या होता है, 180 माइनस 60, यानी 180 माइनस 60 क्या होता है, माइनस टेंजेंट थीटा, माइनस टेंजेंट 60। तो माइनस टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट 3, तो इसका स्लोप कितना आ गया, माइनस अंडर रूट 3। नाउ एट्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x माइनस 1 2 1 एंड 4 5 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है तीनों एक लाइन पे आ गए। अब तीन पॉइंट्स से, तीन पॉइंट्स का यूज करके ट्रायंगल भी बन सकता है। देखिए कैसे, अगर हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं, ये और ये, इससे एक ट्रायंगल बना सकते हैं, इसका एरिया भी आएगा कुछ ना कुछ। लेकिन अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, तीनों को मिलाओ, कुछ स्पेस है इसके अंदर, कोई ट्रायंगल नहीं बना, तो इसका मतलब एरिया क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इनका तीनों का एरिया निकालते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को एक ट्रायंगल की वर्टिसेस मान के एरिया निकालते हैं, तो एरिया जीरो आएगा, ठीक है। या तो इस तरीके से आप कर सकते हो एरिया वाले फॉर्मूले से, या ऐसे कर सकते हैं हम, जो एक लाइन है, तीनों लाइन एक ही उस पे होंगी, एक ही लाइन पे, तो मतलब तीनों क्या है, आपस में पैरेलल होंगी। अगर हम इसको मान लेते हैं, लेट पॉइंट्स आर ए बी सी मान लेते हैं, ये मान लिया हमने तीन पॉइंट। अब ए बी लाइन है, बी सी है और ए सी है, तीनों एक ही लाइन के ऊपर है, तो तीनों पैरेलल होंगे। इसका मतलब कोई भी दो स्लोप अगर आप निकालते हैं, तो वो दोनों स्लोप इक्वल होंगे। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होगा, बिकॉज दीज आर कोलिनियर, दिया हुआ है हमें कोलिनियर। उसमें हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल के उसको इक्वल टू जीरो रख दो आप, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, या इनके दोनों के स्लोप निकाल के इक्वल रख दो, एज ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर, जैसे ये कोलिनियर है। अब ए बी का पॉइंट निकालते हैं हम, स्लोप वाई टू माइनस वाई वन, वन माइनस माइनस वन तो प्लस वन हो गया, और टू माइनस एक्स इज इक्वल टू बी सी का फोर माइनस वन फाइव माइनस टू, तो ये हो गया 2 बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 बाय 3, तो ये हो गया 2 बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू 1, आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 9 है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट पॉइंट माइनस टू माइनस वन फोर जीरो थ्री थ्री और माइनस थ्री टू आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। चार पॉइंट हमें दिए हुए हैं,
माइनस टू वन, माइनस टू माइनस वन सॉरी, फोर जीरो, थ्री थ्री और माइनस थ्री टू, ये चारों एक क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स हैं। ये प्रूव करना कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं प्रूव कि इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया और इन दोनों का निकाल लिया, इक्वल आया, फिर इन दोनों का निकाल लिया और इन दोनों का, वो भी इक्वल आना चाहिए। देखिए हमारे पास ये है पैरेललोग्राम, हमने बना लिया, लेकिन इसको प्रूव करना है। इसको मान लिया ए बी सी और डी। अब क्या कर सकते हैं हम, ए बी का डिस्टेंस निकाला डिस्टेंस फॉर्मूले से और इसका निकाला, इक्वल आना चाहिए। ए डी का निकाला और बी सी का इक्वल आना चाहिए, अगर दोनों इक्वल आ गए तो ये पैरेललोग्राम है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, ये दो लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है हमें, तो इनका स्लोप जो है इक्वल होना चाहिए और इन दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये दोनों पैरेलल प्रूव करनी है। तो हम क्या निकालते हैं, सबके स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, ए बी का स्लोप निकालते हैं, जीरो माइनस माइनस जीरो माइनस माइनस वन और फोर माइनस माइनस टू, तो वन बाय सिक्स आ गया। अब बी सी का स्लोप थ्री माइनस जीरो, थ्री माइनस फोर, तो थ्री बाय माइनस वन यानी माइनस थ्री आ गया। नाउ स्लोप ऑफ बी सी, इस वाले का बी सी का क्या आएगा, माइनस टू माइनस थ्री, माइनस थ्री माइनस थ्री, तो माइनस ये हो गया माइनस टू माइनस थ्री, सॉरी ये माइनस टू नहीं है प्लस टू है ये, तो टू माइनस थ्री बाय माइनस थ्री माइनस थ्री, तो माइनस वन बाय माइनस सिक्स, ये आ गया वन बाय सिक्स, ये इक्वल हो गए। देखो दोनों तो ए बी और डी सी के स्लोप इक्वल है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। अब चौथी का स्लोप ऑफ ए डी, ए डी का स्लोप निकालते हैं, माइनस थ्री माइनस माइनस टू, और नीचे क्या है, सॉरी पहले ऊपर y लेना है, तो 2 माइनस वन, और नीचे क्या आ गया, माइनस थ्री माइनस माइनस टू, ये प्लस हो जाएगा, 2 में से माइनस वन माइनस करेंगे 2 प्लस वन हो गया, और माइनस थ्री में से माइनस टू करेंगे तो प्लस टू हो जाएगा, तो 3 बाय माइनस वन, तो ये हो गया माइनस थ्री। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ए बी का स्लोप बी सी के स्लोप के इक्वल है, इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू डी सी। और अगले में स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू, ए बी का डी सी के इक्वल था, बी सी और ए डी का इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी, तो इसका मतलब बी सी इज पैरेलल टू ए डी, तो दोनों साइड्स पैरेलल होगी, ए बी डी सी के और बी सी ए डी के, इसका मतलब ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 3 माइनस वन एंड 4 माइनस टू। हमने क्या करना है, इस ये जो लाइन बन रही है इसको ए बी मान लेते हैं, ए और बी से जो लाइन बन रही है ए बी, इसका एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनता है। तो एंगल जो बनता है एक्स एक्सिस के साथ, थीटा अगर हो तो टेंजेंट थीटा स्लोप होता है, लेकिन हमें थीटा ही तो निकालना है, तो हम स्लोप निकाल लेते हैं पहले दूसरे फॉर्मूले से। एक तो हम थीटा का यूज करके निकालते हैं, एक वर्टिसेस का यूज करके निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, माइनस टू प्लस वन यानी वाई टू माइनस वाई वन बाय फोर माइनस थ्री, तो माइनस वन बाय वन यानी माइनस वन आ गया, तो स्लोप क्या आ गया, माइनस वन। तो अगर स्लोप हमारा माइनस वन आ गया तो टेंजेंट थीटा, तो एंगल मेड बाय, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड ए बी इज थीटा, देन स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा, और स्लोप हमारे पास माइनस वन है,
तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस वन। अब टेंजेंट माइनस वन कब होता है ये देखना है हमने। टेंजेंट माइनस वन होता है 90 प्लस थीटा पे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, अब माइनस वन कब होता है, टेंजेंट 90 प्लस थीटा 45। टेंजेंट 45 पे वन होता है और नेगेटिव कब होता है 90 प्लस थीटा पे। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 135। तो थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस विद लाइन ज्वाइनिंग 3-1 एंड 4-2 इज 135 डिग्री। तो वो एंगल क्या होगा, 135 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का डबल है। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3 फाइंड द स्लोप। अगर उनके बीच में जो टेंजेंट है वो 1/3 है, मतलब कहने का क्या है कि अगर हमारे पास दो लाइंस का स्लोप दिया हुआ है, एक दूसरे का डबल है, हम मान लेते हैं पहले का, लेट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन एम है, तो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन क्या होगा, 2m हो जाएगा क्योंकि डबल दिया हुआ है। अब टेंजेंट बिटवीन दीज टू लाइंस, दोनों लाइंस के बीच का टेंजेंट, मतलब टेंजेंट थीटा, दोनों लाइंस के बीच में एंगल अगर थीटा है तो उसका टेंजेंट थीटा जो है वो क्या बनेगा, 1/3 आता है। यानी क्या हो गया, हम इसका जो पहली लाइन का थीटा है थीटा 1 मान लेते हैं और इसका थीटा 2, और जो थीटा 1-थीटा 2 है वो है थीटा। यानी दोनों, जो पहली लाइन का थीटा है थीटा 1 हो गया, दूसरे का थीटा 2 हो गया, दोनों का डिफरेंस जो है वो थीटा है। तो हमें ये थीटा निकालना है, ये निकालना है, और टेंजेंट थीटा हमें दिया हुआ है 1/3, और ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू है, थीटा 1 की, और ये 2m थीटा 2 की वैल्यू। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, अगर ये है टेंजेंट थीटा है तो ये क्या आता है, टेंजेंट थीटा 1-टेंजेंट थीटा 2 / 1+टेंजेंट थीटा 1 टेंजेंट थीटा 2। यहां इसकी वैल्यू रखें, टेंजेंट थीटा क्या है, 1/3 इज इक्वल टू, अब टेंजेंट थीटा 1 क्या था, m, ये है 2m, तो 1-m × 2m, -m/1-2m² ये आ गया हमारे पास। इसकी वैल्यू क्या है, 1/3। इनको हम अगर इक्वेट करें तो या तो देखिए ये क्या मोड था हमारे पास, तो या तो ये -1/3 हो जाएगा या +1/3 हो जाएगा, यानी या तो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, सॉरी यहां पे प्लस था। तो 1/3 इज इक्वल टू m/1+2m² और -m/1+2m² ये आ जाएगा। अब पहले से वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसमें से हम सोल्व कर लेते हैं इसको। तो m आ गया 1/2 और 1, यहां से निकाले अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2m+1 और m+1 आ गया, तो m आ गया -1/2 और -1, तो हमारी m की कितनी वैल्यूज आ गई, 4। तो हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें बताना था कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन लाइंस, दोनों लाइंस के स्लोप निकालने हैं। वो तो दोनों लाइंस के स्लोप क्या क्या होंगे, तो हमारे पास चार आंसर आ गए।
पहली लाइन का स्लोप एम लिया था हमने, दूसरी का उसका डबल था। पहली लाइन के स्लोप के चार आंसर आ गए। स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन क्या आएगा? माइनस वन बाय टू, माइनस वन, वन बाय टू और वन, और लगा देंगे बीच में, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन क्या है? इनका डबल, इसका डबल हो गया माइनस वन, माइनस टू, वन और टू। तो स्लोप्स ऑफ बोथ लाइन्स आर, इनको पेयर बना देंगे। अगर पहली का माइनस वन बाय टू है तो माइनस वन आएगा, और माइनस वन माइनस टू और वन बाय टू वन और वन टू, ये आंसर आ जाएंगे हमारे। या तो ये आंसर होगा या ये या ये या ये, आंसर ये आ गया हमारे इसके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, अ लाइन पासिस थ्रू एक्स वन वाई वन एंड एच के। एक लाइन पास करती है एक्स वन वाई वन से और एच के से। इफ स्लोप ऑफ लाइन इज एम, स्लोप इज एम है, तो प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट k माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एच माइनस एक्स वन। देखिए हमारे पास स्लोप निकालने के लिए क्या है, दो तरीके हैं, या तो हमारे पास थीटा हो या लाइन के दो पॉइंट्स हो कोई भी। तो हमारे पास लाइन के दो पॉइंट्स हैं, हम स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, यानी k माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, एच माइनस एक्स। और स्लोप ऑफ लाइन क्या दे रखा है हमें? m। तो m इज इक्वल टू के माइनस वाई वन बाय एच माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, के माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एच माइनस एक्स, एक्स वन नहीं था सॉरी, एक्स था सिर्फ, एक्स वन आएगा, यहां पे एक्स वन आ जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इफ थ्री पॉइंट्स एच जीरो ए बी एंड जीरो के लाई ऑन अ लाइन, शो दैट ए बाई एच बी बाई के का प्लस इज इक्वल टू वन। अगर देखो तीनों लाइन एक ही उस पर लाई करते हैं तो क्या होगा, तीनों लाइन्स के स्लोप इक्वल होंगे, तीनों लाइन्स का स्लोप जो है वो इक्वल आएगा। तो हम क्या करेंगे, कोई सी दो लाइन्स का स्लोप उठा लेते हैं। हमारे पास तीन पॉइंट्स क्या है, एच जीरो ए बी एंड जीरो के, और प्रूफ क्या करना है, ए बाय एच बी बाय के इज इक्वल टू वन। हम इन दोनों का ले लेते हैं और इन दोनों का ले लेते हैं, लेट इनको ए बी और सी ले लिया। स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, बी माइनस जीरो बाय ए माइनस एच। स्लोप ऑफ बी सी के माइनस बी और जीरो माइनस ए, ये आ गया हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, एज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर देन स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ए बी का स्लोप बी सी के स्लोप के बराबर होगा। तो b माइनस जीरो बाय ए माइनस एच इज इक्वल टू के माइनस बी बाय जीरो माइनस ए, यानी b बाय ए माइनस एच इज इक्वल टू के माइनस बी बाय माइनस ए। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा माइनस बी ए इज इक्वल टू के ए माइनस के एच माइनस ए बी प्लस बी एच, ये आ गया हमारे पास। इसको अगर हम सोल्व करें तो माइनस ए बी और माइनस ए बी कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आते हैं, के एच इज इक्वल टू के ए प्लस बी एच। अब हमें वन चाहिए था, देखिए यहां पे वन चाहिए, तो हम इसको वन करने के लिए क्या करेंगे, के एच से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग के एच ऑन बोथ साइड्स, के एच बाई के एच, के ए बाई के एच, बी एच बाय के एच, ये कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल, एच से एच कैंसिल। वन इज इक्वल टू ए बाय एच प्लस बी बाय के,
ये हमारा प्रूफ है, यही प्रूफ करना था हमने। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 क्वेश्चन में क्या दिया है, कंसीडर द गिवन पॉपुलेशन एंड एयर ग्राफ। एक हमें ग्राफ दिया है, उस ग्राफ में क्या है, पॉपुलेशन और ईयर। देखिए ये ईयर है 85, 90, 95, 2000, 2005 एंड 2010, और यहां पे 87, 92, 97 और 102। अब हमें क्या है, इसका ग्राफ दिया हुआ है, ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है और यहां पे ए पॉइंट है 1985-92, ये पॉइंट हो गया 1985-92। ऐसे ही एक अगला पॉइंट है 1995, यहां पे हमारा ये 97 है कुछ, ये इस केस में है सामने 1995-97। अब हमें पूछा गया कि 2010 में क्या होगी यही वैल्यू, तो यहां पे आ जाएगा 2010, यहां आएगी देखिए 2010। अब ये हमें नहीं पता यहां पे क्या आएगा, पॉपुलेशन कितनी आएगी, हम वाई मान लेते हैं। तो तीनों जो है एक ही लाइन पे है, एज ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर लेट पॉइंट्स आर ए 1985-92, बी 1995-97 एंड सी 2010 y। तो ऑल पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ए बी और बी सी का स्लोप बराबर होगा। तो 97-92 इसका स्लोप निकालेंगे y में, 1995-1985 इज इक्वल टू y माइनस 97 बाय 2010-1995। तो यहाँ का 5/10 इज इक्वल टू y माइनस 97 बाय 15। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10y माइनस 970 इज इक्वल टू 75, तो 10y इज इक्वल टू 1045 आ गया। तो 10y कितना आ गया 1045, तो y कितना आ जाएगा 104.5। तो जो पॉपुलेशन होगी 2010 में वो होगी 104.5 करोड़, जो करोड़ में है, लैक्स में है, जैसे भी आपके क्वेश्चन में है, करोड़ में आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहां हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है, जल्दी 10.2 के साथ मिलेंगे। और अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और हमारी सारी वीडियोस, पीडीएफ सॉल्यूशन और सारी बुक्स एनसीईआरटी की देखने के लिए हमारी ऐप नॉलेज एकेडमी को जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।